गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम चित्रपदानी 1, 2, 3, 4 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो ये जो वीडियो है वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये चारों चित्रपदानी है उसमें जो जो वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड ऐसे 2 की एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक पूछे जाते हैं, बराबर। सो हमें ये मीनिंग्स जो भी है वो ध्यान में रखना है। सो आइए देखते हैं चित्रपदानी 1। ओके, संस्कृत लैंग्वेज में हम 3 लिंग समझते हैं, क्या पुल्लिंग, सेकंड है स्त्रीलिंग और थर्ड वर्ड है वो है नपुंसकलिंग। ओके, सो आइए देखते हैं चित्रपदानी 1। चित्रपदानी 1 जो है इसमें सब वर्ड्स पुल्लिंग ही है। ओके, सो जिस वर्ड के पीछे विसर्ग है, दो डॉट जो होते हैं, देखो यहाँ ब के पीछे है, वृषभ के पीछे देख पा रहे हैं। ओके, सो वो दो डॉट है उनको बोला जाएगा विसर्ग, और जिसके पीछे विसर्ग है वो सब वर्ड है पुल्लिंग। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं, चलो चित्रपदानी 1 में फर्स्ट वर्ड इज अ वृषभ। ब के पीछे दो डॉट है तो ह उच्चारण इसका होता है। सो दोबारा रिपीट करते हैं, वृषभ। ओके, सो वृषभ को इंग्लिश में कहेंगे बुल। ओके, गर्दभ सो डोंकी, मेषः सो शीप। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नकुलः, सो देयर इज इट्स मीनिंग इट मंगूस। मयूरः सो PEACOCK। ओके, पिकॉक। काकः सो क्रो। नेक्स्ट वर्ड इज तालः सो लॉक। दीपः सो लैम्प। घटः तो पोट। ओके, स्नेक सो सर्पः। मकरः सो क्रोकोडाइल एंड मंडूकः सो फ्रॉग। ओके, चलो चित्रपदानी 2 देखेंगे। चित्रपदानी 2 में इसके पीछे विसर्ग भी नहीं है और म भी नहीं है। सो चित्रपदानी 2 में जो वर्ड है वो सब है स्त्रीलिंग वर्ड। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज बालिका सो गर्ल। उत्पीठिका सो टेबल। लता सो क्रीपर। ओके, चलो नेक्स्ट, स्थालिका सो प्लेट या डिश। कुंचिका सो की। साटिका से सारी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पेटिका। ओके, सो सूटकेस या फिर ट्रंक भी बोलते हैं। चटका सो स्पैरो। नदी सो रिवर। ओके, चुल्ली सो मॉन्स्टर। ओके, घटी सो वॉल क्लॉक। पुष्पा धानी तो क्या बोलेंगे, फ्लावर वॉश। ओके, फ्लावर वर्ड है FLOWER VASE। रिपीट करूँ मैं, FLOWER। ओके, और VASE सो फ्लावर वॉश। ओके, फ्लावर वॉश ऐसा भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज चित्रपदानी 3। सो देयर इज सब ऑल वर्ड्स इज नपुंसकलिंग वर्ड। ओके, नपुंसकलिंग वर्ड क्यों है, इसको नपुंसकलिंग कैसे समझेंगे, इसके पीछे म है, देखो बराबर। पुल्लिंग में विसर्ग था, नपुंसकलिंग में म आएगा, स्त्रीलिंग में म भी नहीं और विसर्ग भी नहीं, तो ये स्त्रीलिंग वर्ड। और ये चित्रपदानी 3 में है सब वो है नपुंसकलिंग वर्ड, क्योंकि इसके पीछे सबके वर्ड, सब वर्ड के पीछे म ही है। देखो रत्नम है ज्वेल। ओके, छत्रम सो अम्ब्रेला। पुष्पम सो फ्लावर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज उरुकम सो ट्राउजर्स। ओके, धनम तो मनी। पुस्तकम सो बुक। लसुनम सो गार्लिक। शिवन यंत्रम सो सोविंग मशीन। विमानम सो एरोप्लेन, AEROPLANE, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज लोकयानम सो बस। कृष्ण फलकम सो ब्लैक बोर्ड। ओके, सकटम सो बुलक कार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट चित्रपदानी 4। सो इन चित्रपदानी 4 अंडकनी बोलेंगे, रॉन्ग वर्ड, अंडकनी नहीं है, अंकनी ड है वो अनुस्वार है। ओके, अंकनी सो पेंसिल। ग्रंथ सो बुक। आभूषणम सो ज्वेलरी। ओके, JEWELLERY ज्वेलरी। ओके, करदीपः सो टॉर्च। चमसः सो स्पून। लवित्रम सो सिकल। ओके, औकारिका औकरिका सो डस्टबिन। समचिका सो फाइल। पिपीलिका सो आंट। गणनयंत्रम सो कैलकुलेटर। द्रोणी सो बकेट एंड पिंच सो
स्विच। ओके, सो ऐसे ही सब मीनिंग वर्ड आप ओरली भी कंप्लीट रखना है, ध्यान में भी रखना है कि इस वर्ड को कैसे बोला जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में कंपलसरी आएगा ही आएगा, बराबर। एक बात और दूसरा कि आपको नोटबुक में भी चित्रपदानी वर्ण लिखना है, भले आप पिक्चर न ड्रॉ कर पाओ, पिक्चर ड्रॉ कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, जो ड्रॉ कर सकते हैं वो ड्रॉ करना है, जो नहीं आता है वो मत ड्रॉ करो, बट इसका इंग्लिश मीनिंग और संस्कृत मीनिंग दोनों कंपलसरी लिखना ही है। ओके, सो हमें नोटबुक में क्या क्या अभी तक लिखा है, एक है मम परिचय, सेकंड वंदना, जो श्लोक्स है सब लिखे थे वंदना के, और ये चित्रपदानी 1 2 3 4 तक लिखना है। सो ध्यान में रखना है, ये होमवर्क कंप्लीट कर देना है, ठीक है।